एक भी बार सुरक्षा कवच का फाउल नहीं आया है। मैं देता हूं गौरव भाई आपका भी जवाब, एक भी बार नहीं आया। मान्यवर, उन्होंने अपने जीवन में बड़े और कड़े मापदंड एस्टैब्लिश करने का काम किया है। वो आज प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए एक नियम बने हैं, एक प्रोटोकॉल बना है। विदेश में जाते हैं 20% से कम स्टाफ विदेश ले जाने की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने। पहले प्रधानमंत्री जाते थे तो कहीं पेट्रोल डलवाने के लिए जो टेक्निकल होल्ट लेने पड़ते थे तो पूरी रात होटल। नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वहीं स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ जाते हैं। इनके पास जो स्टाफ जाता है साहब, उनके लिए सबके लिए अलग अलग गाड़ियों की व्यवस्था थी, मगर प्रधानमंत्री जी ने एक मापदंड खड़ा किया है, किसी को पालन करना न करना वो उसके मुनसफी पर है, मगर उन्होंने कहा कि जितना भी स्टाफ है वो एक गाड़ी में 4 लोग 5 लोग जाएंगे या कोई बस में जाएंगे, हर एक के लिए अलग गाड़ी बंद करा दीजिए। मान्यवर, इस प्रकार के कठोर सार्वजनिक जीवन के नॉर्म्स को प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पालन करने वाला नेतृत्व आज देश को मिला है। और दूसरी ओर सिक्योरिटी कवर को स्टेटस सिंबल बनाकर अगर हम आज भी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी हम एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे रसास्वाद में आह्लादित रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सबने इसमें से सीखना चाहिए। गौरव भाई ने कहा कि भाई एसपी जी के नियमों का उल्लंघन किया। वो जो प्लेन लेकर गए थे उसकी पूरी चेकिंग एसपी जी ने कर ली थी, अंदर एक एसपी जी का सिक्योरिटी का व्यक्ति भी था और जो बोट वहां उतरी वहां पर भी सिक्योरिटी के ऑफिसर्स थे। इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, विशिष्ट परमिशन के आधार पर किया है। और माननीय सदस्य गोगाई साहब को मैं कहना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री जी ने देश के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्वयं रिस्क लिया था, रात को 2 बजे मोटरसाइकिल घुमाकर आनंद करने के लिए एसपी जी के कवर को नहीं तोड़ा। ये दोनों में अंतर है मान्य, ये दोनों में अंतर है। एक इतना बड़ा वहां रिवर फ्रंट बना है, इसको टूरिज्म की दृष्टि से, वाटर स्पॉट की दृष्टि से डेवलप करने के लिए उन्होंने स्वयं रिस्क लिया था। कोई रात को ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए 100-150 किलोमीटर की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाने के लिए नहीं लिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये पूरे मसले को देश गंभीरता से देख रहा है, इसलिए मुझे ये सारी स्पष्टता करनी पड़ी, वरना मुझे तो आशा थी कि इस बिल पर कोई चर्चा नहीं होगी। दिस इज रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तुरंत पारित हो जाएगा, पक्ष विपक्ष के कोई भाषण नहीं होंगे, मुझे भी नहीं करना चाहिए था, मगर सदन के अंदर जब भाषण हुए तो जवाब देना मेरा भी कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। जनता के अंदर एक तरफा बात नहीं जानी चाहिए, जनता के सामने सत्य जाना चाहिए, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। ए एक्ट से गांधी परिवार के सदस्यों की एक भी सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं हुई है, पुराने एक्ट से उनकी सिक्योरिटी बदली गई है। ये भी भ्रांति है कि इनको सिक्योरिटी बगैर वैसे ही छोड़ दिया गया है। देश में प्रधानमंत्री के अलावे जो सिक्योरिटी उपलब्ध है वो हाईएस्ट सिक्योरिटी, तीनों Z+ विद ASL एंड एम्बुलेंस पूरी कंट्री में वो तीनों सदस्यों को दिया गया है मान्यवर, मगर प्रधानमंत्री के लिए जो विशेष कार्यबल बना है वो ही सिक्योरिटी मुझे चाहिए। तो मेरा स्पष्ट मानना है मान्यवर कि प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, एक पद के लिए, एक ऑफिस के लिए और उनके कम्युनिकेशन, उनका आरोग्य और उनके निवास पर जो ऑफिस होता है इसकी सुरक्षा के लिए है, वो देश के हित में है क्योंकि वो हमारे कार्याध्यक्ष है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है। तो मुझे लगता है इसमें अब शायद कांग्रेस समर्थन करे और सब लोग इसके समर्थन में अपना मत व्यक्त कर इस बिल को पारित करें, यही निवेदन कर मैं मेरी बात कहूँ। अधीर रंजन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के लिए जितना भी कदम लिया जाए हम सब उस पर जरूर समर्थन करें, इस पर कोई दो राय नहीं।
लेकिन आपकी जो भाषा भाषण में स्पष्ट हो गए हैं कि एक राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की आग के मंजर हम लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए एक तरफ आप कह रहे हैं आप कि तो ये लोग बिल के अंदर कोई विशेष हो तो सर, मैं सर मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलने का नहीं है, बोलने का तो आपका नंबर नहीं, नहीं, सर प्लीज सदस्यों ने ले सर, लिया प्लीज प्लीज। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन है, इसमें बिल की कोई धारा पर आपत्ति हो या स्पष्टता हो तो मांग सकती है, मेरे जवाब के बाद पॉलिटिकल आंसर नहीं हो सकता, वरना तो ये बाद में मुझे भी देना पड़ेगा। ये कब तक चलता रहेगा ये बिल? ये मैं सदन की परंपरा बता रहा हूँ माननीय। अधीर रंजन जी साहब परिवार के ऊपर हमला कर रहे हैं, परिवार हिंदुस्तान के लिए दोनों जान गंवाए हैं, उन परिवार को लंचन कर रहे हैं आप। ये विधेयक पर विचार किया जाए जो सदस्य इसके पक्ष में हा गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हा वालों के पक्ष में हुआ, हा वालों के पक्ष हुआ, विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। सौगत राय जी, संशोधन संख्या 102। सर मैं तो भाषण दिया नहीं, मेरा एक मिनट का क्लारिफिकेशन चाहिए दो क्लॉज के बारे में, आप एक सेकंड समय दीजिए। यहां पर लिखा है कि जो लोग फैमिली के प्रधानमंत्री के ऑफिशियल रेसिडेंस में रहेंगे, हमारा सौगत राय द्वारा सर मुझे आप तो मूव करना है, नहीं करना है बता दो। सौगत राय द्वारा 102 किया जाए।